जो रूटीन में हमारे कंस्टिट्यूंसी के लोगों के जो डेवलपमेंट को लेकर काम या उनकी कुछ शिकायतें होती हैं, आज ग्रीवेंसेज के लिए आज ये हमारे कल के लोगों टवाणा के लोगों के जो शिकायतें थी उसके लिए आज हम बैठे हैं, और साथ साथ जो निवारण अधिकारी को निर्देश जारी करके उनको दुरुस्त कराने का निर्देश जारी कर दिए। कुछ बिजली विभाग की समस्याएं थी, कुछ गांव में डेवलपमेंट को लेकर लोगों हमारे सरपंच साहिबान की मांग थी, कुछ हमारे को खेतों के रस्तों को लेकर हमारे किसानों की मांग थी, इसी प्रकार हमारे सिटी के अंदर कुछ मुद्दे थे सफाई को लेकर थे, कुछ सीवर व्यवस्था के को थे, पीने के पानी की थी, जिस भी संबंधित विभाग के अधिकारी थे उनको निर्देशित किया है कि इन कामों को फौरी तौर पर समयबद्ध तरीके से जल्दी करा के लोगों को इसका लाभ मिल सके। साथ में हमारे PWDPNR के जो हमारे अधिकारीगण हैं उनसे आज मीटिंग ली है। 100 बड़ी लंबी समय से जो लंबित मामला था और बड़ी एक बड़ी समस्या मैं कह सकता हूँ, सूर्यवाड़ा मोड़ से लेकर हमारे पंजाब बॉर्डर तक और वहाँ जाकर तक, इसरो 148B का, इसमें एक दो NOC क्लियरेंस का से रिलेटेड मामला था, उनको इम्प्रूव संबंधित अधिकारियों से बातचीत करके उसको जल्दी फास्ट ट्रैक पे करके ताकि इसका टेंडर लग के ये काम शुरू हो के लोगों को लाभ मिल सके। काफ़ी रोड की जो हालत है वो ख़राब मैं इसको कह सकता हूँ, और काफ़ी परेशानी मेरे लोगों को या आसपास के हल्के में जो इस रोड से गुजरते हैं उनको हुई है, लेकिन अभी जल्दी इसको हम धरातल पर लेके इसका टेंडर लगा के इसको ठीक करने जा रहे हैं। साथ में हमारे बस स्टैंड की ड्राइंग को लेकर रिवाइज मीटिंग थी, हमारे हॉस्पिटल की कुछ NOCs के इश्यूज थे उनको लेके जो जो डेवलपमेंट के कार्य है किसी कारणवश कहीं कई फाइलें पेंडिंग थी उनको क्लियर कराने के लिए अधिकारियों से इस पर उनको निर्देश जारी किए हैं, और फौरी तौर पर इनको जल्दी करके डॉक्यूमेंट हैं जो उनको क्लियरेंस दें ताकि टेंडर लगा के जितने भी ये योजनाएँ परियोजनाएँ माननीय मुख्यमंत्री की द्वारा की जो घोषणाएँ थी उनको हम धरातल पर लेकर आ सके। उस विषय में आज अधिकारियों से भी और जो लोगों की ग्रीवेंसेस थी उनको लेकर आज ये मीटिंग। कुछ एक इश्यूज़ थे, एक अपने कई मंडियां समूह थी, एक दो मंडियों में लिफ्टिंग का कुछ इश्यूज़ था, मेरी डीसी में से बात हुई है और उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि बहुत जल्दी इसको अगले दिन में ठीक करा के विभाग के अधिकारियों से इसको दुरुस्त कराया जाएगा। कोई किसान को कोई भी समस्या ना आए, उनका फसल आने के बाद टाइम पे तुलाव हो और उठान हो, और जो सरकार की घोषणा है उस समय पे उसके पैसे हमारे किसानों के अकाउंट में जाए।